नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। नगर का ऐसा व्यक्ति जो निसहायों की लंबे समय से कर रहा सेवा, भोजन पानी और कपड़ों की व्यवस्था में लग रहते हैं श्री महाजन। ठीकरी नगर में एक ऐसा शख्स भी है जो बीते लंबे समय से निसहाय और विक्षिप्त जनों के लिए देवदूत बनकर उनके लिए भोजन पानी और व्यवस्थाओं को लगातार करते आ रहे हैं। नगर में जो भी इस प्रकार का असहाय होता है उसे वे स्वयं तलाश कर उस तक दोनों समय का दाना पानी देने का पुनित कार्य करते हैं। हम बात कर रहे हैं ठीकरी के व्यापारी आशीष महाजन की, जो कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष और जिला संगठन के पदाधिकारी है। अपनी व्यस्तता के बीच आशीष महाजन के कार्यों को लेकर नगर में चर्चा का विषय है। ये एक तरफ समाज से अलग होकर रह रहे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात बड़ी दबंगता से रखते हैं, युवाओं में अच्छी पकड़ और युवाओं की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, अगर अपने घर कोई विक्षिप्त आता है, मेंटली आता है या पागल जिसे कहते हैं वो व्यक्ति आता है, तो अपन उसको क्या करते हैं? या तो भोजन दे देंगे या उसे पानी पिला देंगे, ऐसा कार्य करेंगे, लेकिन देंगे एक दिन के लिए। ठीकरी नगर में एक ऐसा शख्स है जो निरंतर 4 वर्षों से नगर में जो विक्षिप्त है, पागल है, जो समाज से ठुकराए हुए लोग हैं, उन लोगों को भोजन पानी देने का, कपड़े, जूते, चप्पल और हेयर कटिंग तक कराने का कार्य करता है। नगर में उसे कहीं व्यापारी संघ का अध्यक्ष कहते हैं तो कभी सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, कभी समाज के बीच में बैठकर समस्याओं को सुलझाने वाला एक शख्स कहते हैं। आइए ऐसे शख्स से अपन बात करेंगे, नगर ठिकरी के नगर सेठ कहे जाने वाले आशीष महाजन। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष महाजन। आप व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं? हाँ। और कई सामाजिक संगठनों में पद हैं और आप सामाजिक कार्य भी करते हैं? जी। आप कई वर्षों से शुद्ध विशुद्ध लोग हैं, उन लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे मिली? ये प्रेरणा हमारे गुरु महाराज ने हमको दी थी कि जो भी पागल विशुद्ध लोग ऐसे दिखे तो उनको भोजन पानी देना चाहिए, ताकि एक तरह से नारायण सेवा ही है ये, कि जो कभी मंग के नहीं खाते उनको जो भी पड़ा मिल जाए तो खा लेते, नहीं तो भूखा ही सो जाते हैं वो लोग। तो ये हमारे गुरु महाराज की प्रेरणा अनुसार ये कार्य मैं निरंतर 4 सालों से कर रहा हूँ। 2020 से ये कार्य मैंने चालू करा था। कैसे व्यवस्था करते हैं आप? 2 टाइम भोजन देना है, उनको पानी भी देना है? वैसा कुछ नहीं, अगर भगवान आपको ईश्वर दे रहा है तो उसको बांटने में क्या दिक्कत है, जितना बांटोगे तो उतना ज्यादा मिलेगा, ये है। कहीं साफ स्वच्छ हेयर सैलून सैलून में भी आप कटिंग करवाते हैं? कपड़े? हाँ, कपड़े वगैरह भी वो उनकी स्वेच्छा रहती है तो उनको देता हूँ, वो लोग उनकी इच्छा होती है तो पहनते हैं, नहीं तो ला के दो तो एक भी देते हैं, और जो ज्यादा गंदा है या वैसा दिखता है तो उसको हफ्ते में 1 या 2 बार नहलाने का कार्य भी करता हूँ, हेयर सैलून भी बनवाता हूँ। ये थे हमारे बीच में आशीष जी महाजन, जिन्होंने कहा है कि गुरु का आदेश हुआ है और नर ही नारायण है, इसी सेवा को लेकर मैं इस निरंतर इस कार्य को करता आ रहा हूँ। इनके साथ कभी सहयोग में रहते हैं ये जो हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। क्या आपने देखा है कि आशीष जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को क्या कहेंगे और आप किस नजरिए से देखें? जी, हमने ये देखा है कि आशीष जी को जब से हम देख रहे हैं तब से वो ऐसे लोगों की सेवा में रहते हैं, हम आशीष जी की ऐसी सेवा देखकर बहुत प्रेरणा महसूस करते हैं अपने आप में। इस कार्य से इनको भी प्रेरणा मिलती है और जो कार्य आशीष जी महाजन कर रहे हैं वो आने वाले समय में हर युवा को करना चाहिए। इन कार्यों से कहीं ना कहीं अपनी निजी जिंदगी भी सफल रहती है तो कहीं समाज में भी एक अच्छा संदेश जाता है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा, ठीकरी।